प्रोजेक्ट मॉडल ऑफ पावर जनरेशन फ्रॉम वेस्ट हीट यूजिंग थर्मोलिटिक जनरेटर सिस्टम। सो ये जो चेंबर है इसमें थर्मोलिटिक जनरेटर सिस्टम है और साथ में हमने यहाँ पे हीट ब्लोअर ऐड किया है। तो हीट ब्लोअर के लिए यहाँ पे हमने एक्सटर्नल जो पावर सप्लाई है वो देना है। यहाँ पे मेन स्विच है, इसमें आपको आप कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। यहाँ पे जनरेशन होगा हीट टू इलेक्ट्रिसिटी का। इसका आउटपुट हमने डीसी मोटर को विद टर्बाइन को देना है, तो जिससे हमको पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वही सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे बैटरी सेक्शन रहेगा, जो ऐसी बैटरी रहेंगी उसमें वो स्टोर होता रहेगा एनर्जी, और वही एनर्जी जो है हम यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पे मेज़रमेंट करने के लिए। तो डिस्प्ले पे हमको पर्टिकुलर वोल्टेज करंट के स्टेटस दिखेगा। ये है टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पे हमको टेम्परेचर पता चलेगा इनपुट साइड का कि कितने अमाउंट ऑफ हीट अपने को मिला है उसका टेम्परेचर, और आउटपुट साइड में हमको वोल्टेज और करंट स्टेटस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इन्वर्टर मॉड्यूल लगाया है और एसी लोड लगाया, तो जिससे हम एक एप्लीकेशन दिखाएंगे कि जो पावर जनरेशन हमको हो रहा है तो उससे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने होल्डर्स लिया है, सो यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज वगैरह करके दिखा सकते हो, दैट इज़ आल्सो एप्लीकेशन। सो अभी हम इस पोर्शन को चालू करेंगे। जैसे कि आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो अभी ये हीट जो ब्लोअर है वो चालू हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की प्रोसेस चालू हो गई है, कि कंटिन्यू रोटेशन वो होता रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो टेम्परेचर जो है कंटिन्यू अभी बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। यहाँ पे हमको बैटरी कनेक्ट करके रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव यानी रेड हो गया और ब्लैक यानी आपका नेगेटिव सेक्शन हो गया, तो वही आपको कलर कॉम्बिनेशन में लगाना है। ये अपनी मेन स्विच है जिससे अपना कंट्रोल बोर्ड ऑन होगा, तो हम इसे ऑन कर लेते हैं अभी। तो ऑन हो चुका है, यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट का नाम लिख के आएंगे, फिर यहाँ पे वोल्टेज करंट का स्टेटस लिख के आएंगे। फिलहाल वोल्टेज करंट 0-0 में है और नो लोड कंडीशन में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट का स्टेटस देखना है हमने को। तो ये क्रोकोडाइल पिन है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे बैटरी के। तो अभी हम पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे। जैसे आप इसको अटैच करोगे तो अपने को करंट स्टेटस ऑफ वोल्टेज पता चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट में लोड लगाएंगे, ठीक है। ऑन करना है, यहाँ पे लोड कंडीशन, लोड ऑन, करंट की वैल्यू दिखेगी। अभी वोल्टेज के लिए आपको ये पॉजिटिव टर्मिनल को लगाना है क्रोकोडाइल पिन ऐसे, इसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी बैटरी चार्ज हो, यहाँ पे टेम्परेचर दिखता रहेगा आपको करंटली, और यहाँ पे वोल्टेज और करंट दिखता रहेगा। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम जो है पावर जनरेशन फ्रॉम वेस्ट हीट यूजिंग थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, ये पूरा सिस्टम वर्क करेगा।